हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपके बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आपको एक कलर प्रिडिक्शन गेम बनानी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से कलर प्रिडिक्शन गेम की वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये वेबसाइट ओपन करी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है। और ये बेसिकली एक कलर प्रिडिक्शन गेम की वेबसाइट है जहाँ पे यूजर आएंगे और इन नंबरों पे और कलर्स पे बिट करेंगे। अगर वही नंबर या फिर कलर जिसपे उन्होंने बिट किया है वो अगर आता है तो वो अमाउंट को विन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है और इसमें 2 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंगली जितने भी टाइम सेट करना चाहते हो टाइम सेट कर सकते हो। इसके अलावा और 2 मिनट्स में जो 1.5 मिनट होते हैं वो आपके यूजर को मिलेंगे बिट करने के लिए, और जो 30 सेकंड का टाइम होगा उसमें बिट रुक जाएगी और जो आफ्टर 30 सेकंड जो यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे पहले जो रिजल्ट आया था जो नंबर था ये 1 था और जो रिजल्ट था जो कलर था वो ग्रीन था। और इसमें आपके जो यूजर हैं 3 तरीके के गेम प्ले कर सकते हैं, जैसे ये प्रायोरिटी है, स्पेयर है, बीकॉन है और एम्ब्रेड है। बाकी जो फ्रेंड्स ये कस्टमाइजेबल है, आप जिस तरीके से चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है लोग ज्यादातर मोबाइल पे प्ले करते हैं और ये जो बनी हुई है मोबाइल के लिए ही बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक मोबाइल का एम्युलेटर क्रिएट किया हुआ है। इसमें मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊंगा और जो ये हमारा जो ये डेस्कटॉप है यहाँ पे हम इसका जो बैकएंड है वो देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये काउंटडाउन खत्म हो गया है और ये जो नंबर है पीरियड 1273 और यहाँ पे ये खत्म होने के बाद ये 1274 हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो पीरियड का टाइम था जो 1273 था उसका जो किस नंबर ने जीता, यानी 9 नंबर ने जीता, जो रिजल्ट है वो ग्रीन है। तो चलिए मैं आपको इसमें प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपके यूजर को जो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 9 रुपीज है, तो सबसे पहले जो आपका यूजर है उसको रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जो है 9 रुपीज 60 पैसा है। तो सबसे पहले जो आपका यूजर है यहाँ पे रिचार्ज करेगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके यूजर को रिचार्ज का जो अमाउंट है वो डालना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 5000 डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आपके यूजर को अपना नाम डालना है, तो लेट सपोज मैं अपना नाम डाल देता हूँ और जो उसका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी वगैरह वो ऑलरेडी शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो यूजर है रिचार्ज पे क्लिक कर देगा। रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप जो अपनी यूपीआई आईडी डालोगे वो उसे यहाँ पे शो हो जाएगी। आपके यूजर को सिंपली से कॉपी करना है और इस यूपीआई आईडी पे पे करना है और पे करने के बाद जो डिटेल्स वगैरह है यहाँ पे आपके यूजर को सबमिट कर देना है। तो जब मैं जैसे यहाँ पे मैं सबमिट करके आपको दिखाता हूँ, रेफरेंस नंबर में कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ और अमाउंट डिपॉजिट जो है 5000 है और रजिस्टर मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। या फिर इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो यूजर है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकता है, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह आप डाल पाओगे। अभी इसमें ब्लैंक है, मैंने कुछ डाला नहीं है। आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स और नेम वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। आपके यूजर को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। तो अभी मैं यूपीआई के लिए आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल दिया और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। जैसे आपका यूजर सबमिट करेगा तो ये सारी डिटेल जो है आपके पास चली जाएगी और आप वेरीफाई करोगे कि आपके जो यूजर ने पे किया है कि नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसके अकाउंट में बैलेंस ऐड कर दोगे। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस वेबसाइट का एडमिन डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। फ्रेंड्स सब कुछ मैं बताऊंगा कि एडमिन डैशबोर्ड अगर आप किस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। एक्चुअली ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मुझे यहाँ पे लेके आ गया ये। और यहाँ पे ये इसका एडमिन डैशबोर्ड है, तो आपको मैं थोड़ा इसका एडमिन डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैनेज एडमिन यूजर, अगर कोई एडमिन वगैरह रखते हो या फिर जो आपकी वेबसाइट को हैंडल करता है तो उन लोगों को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप उनको रोल वगैरह दे सकते हो, क्या काम कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे फ्रेंड्स मैनेज बैनर, तो यहाँ पे बैनर वगैरह आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, इमेजेस वगैरह जो भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टेंट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी और रिस्क जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वो वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। थर्ड है प्रोडक्ट्स, फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट्स वगैरह सिंपल से शो करने के लिए होते हैं इस तरीके की वेबसाइट में, तो यहाँ से आप वो प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और सेकेंड है फ्रेंड्स यूजर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेज यूजर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी यूजर्स वगैरह होंगे उन सबकी लिस्ट शो हो जाएगी, उसका रेफरल कोड, कस्टमर आईडी वगैरह और मेंबरशिप आईडी वगैरह, उनके वॉलेट में कितना अमाउंट है वो सारा यहाँ पे शो होगा। चलिए अब और देखते हैं, यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट हमने देख लिया है और यहाँ पे विड्रॉवल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जो भी आपके जो यूजर होंगे जो अमाउंट विन करेंगे उसकी साइट डिटेल आपको यहाँ पे
हम जो अमाउंट विन करेंगे, और अगर जो विड्रॉ करेंगे तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी विड्रॉ मैनेजमेंट में और विड्रॉ एक्सेप्ट में। जो आप जिन विड्रॉ को आप एक्सेप्ट कर लोगे और मीन्स आपके उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी आपकी। और इसके अलावा विड्रॉ रिजेक्ट, अगर आप कुछ विड्रॉस को जो है रिजेक्ट करना चाहते हो, मीन्स कि आपके यूजर ने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली है और आप देखते हो कि वो कुछ अप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो आप वो जो है उसकी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे विनिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो विनिंग मैनेजमेंट सिस्टम में मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं विनिंग मैनेजमेंट में, एक तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक है, अगर इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो ये आप मैनुअली भी नंबर वगैरह को विन करवाओ तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये गेम हिस्ट्री वगैरह, तो यहाँ से आप गेम हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री वगैरह है और रिवॉर्ड मैनेजमेंट वगैरह, यहाँ पे रिवॉर्ड मैनेजमेंट में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप चाहते हो किसी यूजर के अकाउंट में कुछ रिवॉर्ड वगैरह ऐड करना, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करोगे और उसका जो अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स अमाउंट सेटअप वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, अमाउंट मैनेज, मैनेज अमाउंट पे, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कितने का मिनिमम रिचार्ज हो सकता है, कितना मिनिमम विड्रॉ हो सकता है, रिचार्ज बोनस वगैरह आप कुछ देना चाहते हो तो वो सही चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड डिपॉजिट अपडेट्स, जब मैं डिपॉजिट अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो है मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी 5000 की, जो कि यहाँ पे मुझे शो हो रही है 5000 की जो रिक्वेस्ट है, और रेफरेंस आईडी वगैरह दिख रहा है, जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाला था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, और ये अमाउंट वगैरह यहाँ पे 5000 शो हो रहा है। तो अब मेरे को यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि मुझे ये अप्रूव करना है रिजेक्ट करना है। अगर यूजर ने मुझे अमाउंट पे कर दिया है तो मैं यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा, अगर अमाउंट पे नहीं किया तो रिजेक्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अप्रूव कर देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है तो अब जो यूजर के अकाउंट में अमाउंट चला गया है। तो चलिए फ्रेंड्स जो मैंने एम्युलेटर क्रिएट किया था मोबाइल का उस पर मैं अपने यूजर का अकाउंट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ एम्युलेटर में। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का जो यूजर इंटरफेस रहेगा, ये आप कस्टमाइजेबल है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ ऐसे शो के लिए है ये सारी चीजें, बाकी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब चलिए यहाँ पे माई अकाउंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो यूजर है सबसे साइन अप किस तरीके से करेगा, तो ये मैं दिखाना भूल गया था आपको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले से इस यूजर को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर मेरे पास एक ही है इस टाइम। वेट अ सेकंड, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले इसके यूजर को। यहाँ पे मैं यूजर मैनेजमेंट में जाऊंगा और जो ये यूजर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस यूजर को मैंने डिलीट कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं एक काम करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे साइन अप करता हूँ सबसे पहले, तो ताकि आपको मैं दिखाऊं कि इसमें आपका जो यूजर साइन अप किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपना। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे रिकमेंडेशन कोड मांग रहा है, तो जो भी ज्वाइन होगा किसी का रेफरल से ही ज्वाइन होगा। इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके का फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं एक इनमें से किसी का रेफरल कोड डाल देता हूँ, जैसे फर्स्ट वाले का ही डाल देता हूँ, 8396299। और ये रेफरल कोड मैंने डाल दिया है यहाँ पे। सबसे पहले सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी में मैं क्लिक करता हूँ। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मेरे पास एक ओटीपी आएगा, और यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ गया है और ओटीपी है 3677। मैं डाल देता हूँ 3677 और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओटीपी मैच सक्सेसफुली हो गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स अब मेरे को यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो हमारा जो ये अकाउंट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया, थैंक यू योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो चलिए मैं लॉग इन करता हूँ अपने नंबर से। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे देखिए किया, तो यहाँ पे देखिए एडमिन पे भी मेरा जो नंबर आ गया होगा, ये देखिए जो अभी मैंने नंबर डाला है और ये मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ लॉग इन करता हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ। तो लॉग इन होने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें सेट किया हुआ है कि अगर कोई नया यूजर आता है तो ₹20 जो उसको एज अ बोनस मिलते हैं। ओके तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या है, मेरे को रिचार्ज करना है। तो मैं यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं 5000 डाल देता हूँ यहाँ पे,
रिचार्ज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ और रिचार्ज पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये यूपीआई आईडी वगैरह कॉपी करने, ये भी मैंने अभी कुछ आपको सब कुछ बताया है अभी, तो ये सेम ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा कर रहा हूँ कि मोबाइल में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा और मोबाइल में किस तरीके से ऐसी सारी चीजें होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो मोबाइल में यूज करते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर ही डाल देता हूँ दोबारा अपना, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और ये सबमिट हो गया है। अब फ्रेंड्स जो रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गई होगी एडमिन डैशबोर्ड पे, तो चलिए यहाँ पे अब डिपॉजिट अपडेट्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास आ गई 5000 की रिक्वेस्ट अगेन, और यहाँ पे मैं इसे अप्रूव पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे अप्रूव पेमेंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जब मैंने अप्रूव कर दिया तो इस पेज को मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5020 रुपीज यहाँ पे आ गए, यानी मेरे जो वॉलेट में 5020 रुपीज एड हो गए हैं। तो इस एम्युलेटर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से दिखे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ आपका यूजर किस तरीके से गेम को प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैं विन पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो आपका यूजर जो इनमें से किसी एक नंबर चूज कर सकता है या फिर इनमें से किसी कलर को चूज कर सकता है। तो लेट सपोज मैं ये जो कलर है ज्वाइन ग्रीन, तो मैं इस ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बिडिंग अमाउंट ऐड करता हूँ, लेट सपोज कि मैं 1000 रुपीज बिड कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यूजर को जस्ट इसे कन्फर्म करना है, और यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैसेज आ गया, योर कॉन्टैक्ट इज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जो अवेलेबल बैलेंस है उसमें भी 1000 रुपीज डिडक्ट हो गए। अब फ्रेंड्स अगर रिजल्ट में ग्रीन आता है तो मैं जो अमाउंट है वो विन कर जाऊंगा, नहीं तो जो मैं अमाउंट है वो लॉस कर जाऊंगा। फ्रेंड्स ये जो गेम है बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जो आप हो आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे, मीन्स जो आपके यूजर हैं हमेशा लॉस में रहेंगे। और मीन्स ये कि नहीं, ये नहीं कि सभी यूजर लॉस में रहेंगे, कुछ यूजर जीतेंगे भी, लेकिन फ्रेंड्स आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे, इस तरीके से इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब मैं देखता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम रिजल्ट आने का वेट करते हैं। ये हम देख सकते हो यहाँ पे पीरियड जो नंबर है 1292 है। अब पीरियड नंबर 1292 से चेंज हो जाएगा, तो ये देख सकते हो पीरियड नंबर नया जो आया है 1293 है, और जो पीरियड नंबर 1292 का जो रिजल्ट है विनिंग नंबर है वो 0 है, और जो रिजल्ट है जो कलर है वो रेड एंड वॉयलेट है, यानी जो मैंने ग्रीन पे पैसा लगाया था वो विन नहीं किया। तो यानी जो मैंने 1000 रुपीज इसमें डाले थे वो हमारे चले गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ आप इस तरीके की वेबसाइट जो है किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक होस्टिंगर का अकाउंट है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक दिया हुआ है और साथ में कूपन कोड भी दिया हुआ है जिसका यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप उस एफिलिएट लिंक का यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप मेरी भी इस तरीके से कुछ मदद कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो आपकी होस्टिंग है वहाँ पे मैनेज पे जाना है, और आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिसपे आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ये डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब मैं डोमेन सेलेक्ट करूंगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे मेरे को एक फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन आएगा, और साथ में एक डाटाबेस का भी ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाटाबेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं डाटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस का नाम डालना है। तो लेट सपोज मैं अपने डाटाबेस का नाम डालता हूँ कलर गेम, और इसका जो यूजर नेम है वो भी मैं सेम ही रख दूंगा, और पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फ्रेंड्स पासवर्ड मैंने डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, और ये हमारे डाटाबेस का नाम है, और ये हमारे डेटाबेस का यूजर नेम है, और ये हमारी इस वेबसाइट से कनेक्टेड है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक जाना है, और तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन होगा, आपको ये फोल्डर दिखेगा पब्लिक डैश एचटीएमएल।
आपको इसे ओपन कर लेना है। आपकी वेबसाइट का जो सोर्स कोड है आपको इसी में अपलोड करना है। ये जो फाइल है डिफॉल्ट होस्टिंगर का लैंडिंग पेज है, आपको इसको डिलीट कर देना है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ आप इस वेबसाइट का सोर्स कोड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है मकास, MAKAZ। मकास सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो फर्स्ट लिंक होगा makaz.in, उसे आपको ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे जब यहाँ पे आप देखोगे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में, जब आप स्क्रॉल डाउन करने पे आपको ये यहाँ पे ये गेम का सोर्स कोड मिलेगा। इस गेम के सोर्स कोड का प्राइस फ्रेंड्स 1499 रुपीज है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको क्या फाइल मिलेगी। जब फ्रेंड्स आप सोर्स कोड को डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरीके की जो है जिप फाइल मिलेगी। आपको इस जिप फाइल को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस जिप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दो फाइल्स मिलेंगी। एक कलर गेम की फाइल मिलेगी आपको, और जो है यहाँ पे एक इसका एसक्यूएल डेटाबेस मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने होस्टिंग को ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ। और ये जो फाइल मैनेजर मैंने यहाँ पे खोला था, आपको सोर्स कोड को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है, फाइल सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमने फाइल अनजिप किया था उसको आपको ओपन करना है। और ये जो कलर गेम का जो जिप फाइल है इसे आपको सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये जो फाइल है आपके सर्वर पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो जिप फाइल है आपके सर्वर पे अपलोड हो गई है। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना आपको इस फाइल को पब्लिक HTML में ही अपलोड करना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे अनजिप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको अनआर्काइव कर देता हूँ। ये कुछ एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए कहता, तो चलिए मैं कोई फोल्डर ऐसे क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे अनआर्काइव में क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये इस फोल्डर को अनजिप करेगा हमारे सर्वर पे ही। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर ये फोल्डर ओपन हुआ है और उसके अंदर ये फाइल्स हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये फोल्डर है कलर गेम का, इसके सारे जो ये कंपोनेंट्स हैं इन सभी सोर्स कोड को हमें पब्लिक HTML में मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मूव करने का ऑप्शन है मूव फाइल का, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और मुझे इसे जो ऐड करना है जो वो पब्लिक HTML में डालना है। तो यहाँ पे मैं पब्लिक HTML के लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं इसे मूव पे क्लिक करूँगा तो सारी जो फाइल्स है पब्लिक HTML पे मूव हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी फाइल जो है पब्लिक HTML में मूव हो गई है। और ये जो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था अभी, ये कलर गेम, और ये देख सकते हो ये खाली है। तो अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो इसे यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके साथ ही फ्रेंड जो जिप फाइल हमने अपलोड किया था उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो इसे भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका डोमेन नेम है, उसे यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे जो मेरा डोमेन है ये है, ये मेरा डोमेन है जिसके फाइल मैनेजर में मैंने इन सभी फाइल को अपलोड किया है। चलिए अब मैं इसे ओपन करता हूँ इस डोमेन को यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे ओपन किया तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होने लग गई है। इसके यहाँ पे फ्रेंड्स डाउनलोड ऐप का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है एज अ ऐप भी डाउनलोड हो तो आप अपने जो ऐप का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगा आप किस तरीके से उसे ऐड कर सकते हो, और आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के इजिली इस वेबसाइट को APK में कन्वर्ट करके उसका ऐप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि आपके यूजर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके यूज कर सके। तो अब हमारी फ्रेंड्स सोर्स कोड तो यहाँ पे हमारे सर्वर पे अपलोड हो गया है, लेकिन अभी हमारे डाटाबेस में कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लॉगिन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने डाटाबेस को भी इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो ये डाटाबेस का ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एंड फ्रेंड्स हमने जो डाटाबेस क्रिएट किया था अपनी वेबसाइट के लिए, वहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये ऑप्शन मिलेगा PHP माई एडमिन का। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। PHP माई एडमिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा।
तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे इम्पोर्ट के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस चूज फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, और जो आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल फाइल दिख रहा है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे तो जो माई एसक्यूएल का डेटाबेस है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो डाटाबेस सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। फ्रेंड्स डाटाबेस इंपोर्ट होने के बाद हमें इस डाटाबेस को अपने जो वेबसाइट है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने फाइल मैनेजर पे। इस फाइल मैनेजर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम पब्लिक एचटीएमएल को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स फाइल मैनेजर के अंदर आपको ये एक फाइल मिलेगी इंक्लूड्स, इंक्लूड्स को जो ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक कनेक्शन डॉट पीएचपी का एक फाइल मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का डाटाबेस नेम और डाटाबेस का जो पासवर्ड है उसे ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा डाटाबेस का नेम था वो ये डाटाबेस का मेरा नेम है, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये डाटाबेस है यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं डाटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे भी मेरे को डाटाबेस का नाम डालना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डाटाबेस का पासवर्ड डालना है, तो मैंने यहाँ पे जो डाटाबेस का पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ। डाटाबेस का पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसे मैं यहाँ पे अब सेव कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से बैक जाना है, और यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल में आपको एडमिन फोल्डर को ओपन करना है, और एडमिन में भी आपको एक इंक्लूड फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर भी आपको एक कनेक्शन डॉट पीएचपी का फाइल मिलेगी, उसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डाटाबेस का नाम डालना है और पासवर्ड डाल देना है, तो जो पहले की वैल्यू आपको उसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैं और डाटाबेस का नाम डाल देता हूँ दोनों जगह पे, और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था वो भी डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको सेव कर देना है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। फ्रेंड्स जो डाटाबेस की डिटेल्स है वो हमने अपने दोनों कनेक्शन होल्डर में डाल दी है। अब फ्रेंड्स आपको दोबारा से जाना है अपने पीएचपी माई एडमिन पे, और यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है और पासवर्ड वगैरह उसे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपको यूजर का टेबल मिलेगा, तो इस यूजर टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी यूजर क्रिएट मिलेंगे, आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो। और चलिए इनमें से मैं दो को डिलीट कर देता हूँ, और एक को मैं रहने दूंगा जिसको मैं चेंज करूंगा। तो ये इसका जो मैं मोबाइल नंबर है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, और इसका जो और जो इसकी ईमेल आईडी है वो भी मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी ईमेल आईडी डाल देता हूँ test@gmail.com। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड ही चेंज करना होगा। फ्रेंड्स पासवर्ड जो है इसमें एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो पासवर्ड डालना है वो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5, और इसको मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इसे यहाँ पे इनक्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो जो 1 2 5 जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मेरे को यहाँ पे शो करेगा, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इस पासवर्ड की जगह मैं वो अपना पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा यूजर का जो मैंने डिटेल वगैरह यहाँ पे डालना था, तो ये हमारा यूजर जो है क्रिएट हो गया है, उसका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल एम्यूलेटर दोबारा ओपन करता हूँ, और ये तो हमारी दूसरी वेबसाइट थी, तो इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ माई अकाउंट में, और यहाँ पे जो हमने डिटेल डाली थी, जो मैंने यहाँ पे फोन नंबर डाला था, ये फोन नंबर डालते हैं, और जो मैंने पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5 वो डालते हैं, और यहाँ पे मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम जो लॉग इन हो गए हैं अभी अभी। मैंने ओटीपी से लॉग इन इसलिए नहीं करा क्योंकि ओटीपी का जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया नहीं है इसमें, तो इस तो यहाँ पे हम लॉग इन हो गए हैं। और ये जो यहाँ पे मैं विन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी जो काउंटडाउन चल रहा है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें अभी क्रॉन जॉब जो एक्टिवेट नहीं है।
जो पीरियड है वो चेंज नहीं होगा और ये सिर्फ काउंटडाउन चलता रहेगा। तो अब चलिए अब एडमिन का भी जो है यूजर आईडी पासवर्ड हम चेंज करते हैं। तो एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है टेबल एडमिन पे, यहाँ पे टेबल एडमिन पे जाएंगे हम और टेबल एडमिन पे यहाँ पे आपको एडमिन का नेम वगैरह है और यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एडमिन का नेम वगैरह चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेम ही वैल्यू ऐड कर देता हूँ ताकि एडमिन का जो पासवर्ड वो यहाँ पे सेम रहे, 12345 ही रहे। बाकी फ्रेंड्स आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड डालना है और एडमिन का भी जो यूजर नेम चेंज कर देना है ताकि आपकी वेबसाइट कोई बाईपास या हैक वगैरह ना कर सके। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। और तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आप एडमिन किस तरीके से ओपन करोगे। एडमिन ओपन करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब हम फाइल मैनेजर पे जाएंगे, एक सेकंड, यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल में, तो ये जो एडमिन का फोल्डर है तो हमें इस एडमिन फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा एडमिन में लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या है, यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है उस यूआरएल पे हमें यहाँ पे टाइप करना है एडमिन, और एडमिन टाइप करके जब हम एंटर हिट करेंगे तो ये हमारा एडमिन का पैनल ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है जो एडमिन है बहुत कॉमन है, तो अगर आप इसको एडमिन ही रहने दोगे तो मोस्ट ऑफ चांस है कि बहुत सारे जो आपके यूजर्स वगैरह हैं वो ट्राई करेंगे लॉगिन करने की। तो आपको जो ये जो फोल्डर नेम है वो चेंज कर देना है। तो लेट्स सपोज इस एडमिन का फोल्डर नेम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डबल एन कर देता हूँ। आपको बेसिकली इस फोल्डर का जो नेम है थोड़ा स्ट्रांग रखना है ताकि कोई गैस ना कर पाए और एडमिन पैनल को आपके ओपन ना करे। तो मैं इसे डबल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे एडमिन का नाम चेंज कर दिया तो अब मैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब मैं दोबारा हिट करता हूँ तो ये हमें पेज नॉट फाउंड का एरर मैसेज शो करता है। और क्योंकि यहाँ पे जो हमने एडमिन का नाम है वो डबल एन लगा दिया है, तो अब यहाँ पे एक और एन लगा के जब मैं एंटर करूंगा तो हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालूं, तो यहाँ पे एडमिन का जो यूजर है नेम है वो एडमिन ही है। आप इसे भी चेंज कर लेना और थोड़ा स्ट्रांग डालना फ्रेंड्स, और जो पासवर्ड डाला था मैंने 12345 वो डाल देते हैं और लॉग इन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स एडमिन का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप मॉडिफाई किस तरीके से करोगे। तो चलिए हम फाइल मैनेजर पे चलते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक करना है index.php। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे index.php फाइल है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल ऐड कर देना है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ वेबसाइट को ओपन करके, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट, तो यहाँ पे देख सकते हो एड योर टाइटल है। तो ये एड योर टाइटल है वो यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ अमित, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। आप अपनी जो भी आपके वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये इसको आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, पूरा सोर्स कोड आपके पास है, आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको डिजाइन को चेंज करने के लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे एसेट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको CSS और JavaScript की फाइल मिल जाएगी। आप इसे इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ जो आपको अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए नेसेसरी होंगी। आपको index.php पे जो भी डिटेल आपको चेंज करना चाहते हो वो आपको कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तो नेसेसरी चीजें जो आपको अपडेट करनी है कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स index.php पे आपको एक और चीज कर लेनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है APK। तो APK सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एंकर टैग दिख रहा है .apk का। तो जो आप मोबाइल ऐप बनाओगे उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है, और जो मोबाइल का जो APK फाइल है आपको सिंपली इसी फोल्डर में ऐड कर देना है। तो जब भी कोई भी पर्सन यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो आपकी ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो index.php से फ्रेंड्स आपको मोबाइल ऐप का लिंक भी ऐड करना है। बाकी फ्रेंड्स आप देख लेना आपको फ्रंट पेज पे जो भी कस्टमाइजेशन करनी हो वो आप index.php से कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दोबारा से मैं लॉगिन करता हूँ। फ्रेंड्स जब आपका यूजर यहाँ पे आएगा तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन मिलेगा और आपका यूजर जो है यहाँ से प्रमोशन भी कर सकता है। ओके तो यहाँ पे आप प्रमोशन लिंक भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स जो ये डोमेन नेम है आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे सर्च करना है promotion.php। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे promotion.php आप देख सकते हो फाइल है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च करना है .in। तो ये देख सकते हो .in सर्च करना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये URL है, उस URL को आपको आपकी वेबसाइट के URL से चेंज कर देना है। तो अभी मैं आपको देखता हूँ। तो चलिए हम अपने ये जो हमारी वेबसाइट का URL है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। और जब मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी जो अभी यहाँ पे मेरी वेबसाइट का URL आ गया है। तो आपको इसे भी चेंज कर लेना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको आप जरूर चेंज करना, नहीं तो जब भी कोई रेफर लिंक का यूज करके किसी को रेफर करेगा तो ये रेफर लिंक वर्क नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से पेमेंट डिटेल को चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं माई अकाउंट पे जाता हूँ और जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं रिचार्ज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को रिचार्ज अमाउंट मैं डालता हूँ यहाँ पे 5000 और रिचार्ज करता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ अमित और रिचार्ज पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये UPI ID है, योर UPI ID। अब फ्रेंड्स आपको इस UPI ID को चेंज करना है ताकि आपका जो यूजर है इसे कॉपी करके आपको पे कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप में फाइल मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको, और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्रेंड्स checkout.php। तो checkout.php में देख लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे checkout.php है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है @YBL। ये देख सकते हो YBL। तो यहाँ पे आपको अपना UPI डालना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना UPI डाल देता हूँ 8766281268। आप चाहो तो मुझे पे भी कर सकते हो इस पे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरी UPI ID है, अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप मुझे इस पे करो तो चलिए अब यहाँ से आप API ID चेंज कर सकते हो। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैंक डिटेल भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बैंक डिटेल चेंज करने के लिए यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे हल्का सा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है। तो लेट सपोज मेरी जो बैंक डिटेल, मैं यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट डाल देता हूँ, पे सेकंड में IFSC कोड डाल देता हूँ अपना, अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से डाल देना। और यहाँ पे बैंक नेम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SBI। और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ मैं अपना अमित और इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ और बैंक पे क्लिक करेंगे। ओके तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू पे, अच्छा ये तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। ओके तो यहाँ पे मुझे वैल्यू में भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू में ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने कॉपी में किया है। तो अगर कॉपी करेगा तो ये डिटेल्स कॉपी तो हो जाएंगी लेकिन यहाँ पे वैल्यू शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वैल्यू में भी इन सब डिटेल को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दोबारा से यहाँ पे और ये SBI लिख देता हूँ मैं वैल्यू में SBI और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमित और दोबारा से मैं इसे सेव क्लिक कर दूंगा। तो ये सेव हो गया और मैं यहाँ पे दोबारा से इसे रिफ्रेश करता हूँ और बैंक पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैंक अकाउंट डिटेल मेरे यहाँ पे शो होने लग गई है और आपके यूजर को सिंपली इसे कॉपी करना है और इस बैंक अकाउंट डिटेल पे कर देना है, उसके बाद डिटेल फिल करके सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी वेबसाइट में बैंक अकाउंट डिटेल चेंज कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ आपको OTP सिस्टम किस तरीके से इस वेबसाइट में ऐड करना है। तो उसके लिए दोबारा से हम पब्लिक HTML फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है फ्रेंड्स चेक मोबाइल नंबर नाउ .php फाइल। तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे और इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो है Fast2SMS का गेटवे लगा हुआ है और यहाँ पे उसका API है। आपको अपना API Fast2SMS.com से क्रिएट कर लेना है या फिर आप जिस भी SMS गेटवे का यूज कर रहे हो उसका लिंक यहाँ पे आपको ऐड करना है, जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे साथ में आपको उसकी API डाल देनी है। तो आपका ये OTP सिस्टम वर्क करने लगेगा, मीन्स आपके यूजर जब भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस नंबर पे OTP जाएगा। फ्रेंड्स इस फोल्डर में आपको इसको चेक ऐड करना है चेक मोबाइल नंबर now.php। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक और फाइल को चेंज करना है verify number.php। तो verify number.php को हम देखते हैं वो कहाँ है, स्क्रोल डाउन करते हैं
वो हमें मिल नहीं रहा है नंबर। ये रहा फ्रेंड्स वेरीफाई नंबर डॉट पीएचपी, तो इसको भी आपको ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको जो फास्ट टू एसएमएस का जो एपीआई है उसे यहाँ पे ऐड कर देना है, या फिर आप जिस भी एसएमएस गेटवे का यूज करोगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। आपको सिंपली अगर आप फास्ट टू एसएमएस का यूज करते हो तो आपको सिंपली इस एपीआई को चेंज करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ, मीन्स क्रॉन जॉब की सेटिंग, क्योंकि उसके बिना हमारा जो एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, जो आपका आपको मैं दिखाता हूँ, इसको बैक करते हैं और विन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये काउंटडाउन टाइमिंग चल रही है, सबसे पहले आपको इसे सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए जैसे 3 मिनट्स पे है, तो मोस्ट ऑफ जो सर्वर्स हैं वो 3 मिनट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, होस्टिंगर भी 3 मिनट को सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करके 2 मिनट कर देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दोबारा से पब्लिक एचटीएमएल पे जाना है। तो टाइम सेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है सबसे पहले एडमिन फोल्डर पे, और जब आप एडमिन फोल्डर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक फाइल मिलेगा मैनेज विन रिजल्ट डॉट पीएचपी। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको सर्च करना है 180 सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज मिलेगी 180 की। 180 का मतलब है फ्रेंड्स 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 180 का मतलब है 3 मिनट्स। तो फ्रेंड्स इसको आपको 180 से 120 कर देना है, मीन्स कि हम चाहते हैं जो रिजल्ट है 2 मिनट में ही जाए। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है गेम डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। तो ये एडमिन में नहीं है, आपको ये पब्लिक एचटीएमएल में ही मिलेगा। तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो गेम डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी आपको सर्च करना है 180, सॉरी यहाँ पे सर्च नहीं करना, आपको इसको यहाँ पे सर्च करेंगे 180। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 वैल्यूज है 180 की, आपको इन सभी को 180 से 120 कर देना है, मीन्स हम रिजल्ट चाहते हैं 2 मिनट्स के अंदर। आप इसके 5 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन 3 मिनट जो है हमारा होस्टिंगर सपोर्ट नहीं करता। तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फ्रेंड्स अब दोबारा से हम पब्लिक एचटीएमएल पे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये देखिए जो पीरियड है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि क्रॉन जॉब मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे टाइमिंग देखना, ये 2 मिनट्स की टाइमिंग हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा वेट कर देते हैं, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं थोड़ा, और 10 सेकंड में मैं रोक दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब जो टाइमिंग है ये देखिए फ्रेंड्स, टाइमिंग जो 2 मिनट से स्टार्ट हुई है, ना कि 3 मिनट से जो पहले हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्रॉन जॉब की सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रॉन, तो जब आप क्रॉन सर्च करोगे तो आप रिजल्ट में देख पाओगे क्रॉन जॉब्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्रॉन जॉब की सेटिंग ऑलरेडी करी हुई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेम सेटिंग यही आपको अपने वेबसाइट में भी सेम यही सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे टाइप सेलेक्ट यही करना है कमांड टू रन, जो कमांड देख रहे हो फ्रेंड्स इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको सिंपली इसी कमांड को कॉपी यहाँ पे कर देना है। जो यहाँ पे अभी ये जो कमांड देख रहे हो फ्रेंड्स, आपको सिंपल यही कमांड जो है अपने वेबसाइट में भी डालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं जो कमांड मैंने नीचे जो यहाँ पे ऐड करा हुआ है ये दूसरी वेबसाइट के लिए, जैसे यहाँ पे आप डोमेन देख सकते हो ugpl.tech, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कमांड टू रन यहाँ पे मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो टैग है उसको मैं कॉम कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट का डोमेन है यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड जो मिनट्स है आपको इसे 2 मिनट्स पे सेलेक्ट करना है, और जो आवर है आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एवरी आवर यहाँ पे आप शो होगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे भी आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एवरी डे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे भी आपको
एवरी मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एवरी वीक डे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो ये क्रोन जॉब यहाँ पे क्रिएट हो गया है एक और। और यहाँ पे जब मैं इसका व्यू आउटपुट देखता हूँ, ओके, तो अभी एक बार भी क्रोन रन नहीं हुआ है इसलिए हमें वहां पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अब नंबर चेंज होना स्टार्ट हो गए, मतलब पीरियड चेंज होना स्टार्ट हो गया। अभी जो पहले हमारे यहाँ पे था 56 और ये जो है अब यहाँ पे 57 हो गया। तो यानी हर 2 मिनट के अंदर न्यू रिजल्ट यहाँ पे हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम ना आपको क्रोन जॉब में ही प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको ध्यान से देखना। आपको सिंपल यही कमांड रन करना है, चाहे आप सी पैनल का भी यूज कर रहे हो, आपने होस्टिंगर के अलावा किसी और दूसरी जगह की भी होस्टिंग ले रखी है, तो आपको इस कमांड को हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इस कमांड को ही आपको रन करना है और वैल्यूज वगैरह का ध्यान रखना है। अगर आप फ्रेंड्स 2 मिनट की जगह एक्स्ट्रा चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 3 मिनट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे 5 मिनट पे रन कर सकते हो, 10 मिनट पे रन कर सकते हो, 15 मिनट पे रन कर सकते हो। तो उसी हिसाब से फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे फोल्डर पे मैंने आपको सेटिंग बताई थी, एडमिन पे जाके जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था मैनेज विन रिजल्ट, कहाँ गया वो फोल्डर, विन रिजल्ट, आपको भी जितने भी आप टाइम सेट करो ना फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भी वैल्यू ऐड करनी है। जैसे मैंने 2 मिनट का डाला है तो यहाँ पे 120 सेकंड है। अगर आपको 5 मिनट डालना है तो आपको उतने ही सेकंड कैलकुलेट करने ना, ये 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वही वैल्यू आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो आप 90 सेकंड हो गए हैं। तो अब ये खत्म हो गया। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, यहाँ पे हमारा पेज जो रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे हमें 58 मिनट शो होने लग गए। तो यानी न्यू जो डायरेक्टरी है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से, एक सेकंड अभी जो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखा फ्रेंड्स, यानी हमारा क्रॉन जॉब जो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं व्यू आउटपुट पे देखता हूँ तो ये देखिए हमारा जो क्रॉन जॉब यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्रॉन आउटपुट यहाँ पे वर्क कर रहा है हमारे UGPL.com के लिए और ये देख सकते हो आप। तो यानी अब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से वर्क कर रही है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके की वीडियो हमसे भी बनवाना चाहते हो तो हम भी आपको ये बना के दे सकते हैं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है, आपको सिंपली उस पर कॉल करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई दूसरी तरीके की वेबसाइट बनवाना चाहते हो हमसे, या कोई एप्लीकेशन भी बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।